उधर दिल्ली में आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की उम्मीद है। आज हो रही बैठक में बीजेपी तमिलनाडु और केरल विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करेगी। तमिलनाडु और केरल में बीजेपी छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ना चाहती है। तमिलनाडु में अभिनेता विजयकांत की पार्टी डीएमडीके के साथ समझौते के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पहल की थी, लेकिन डीएमडीके वाइको के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो गई है। वहीं केरल में चर्चा है कि पूर्व क्रिकेटर श्रीसंत बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो नए समीकरण अब देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से तमिलनाडु में, केरल में बीजेपी छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ना चाह रही थी, इसकी एक पहल भी की गई थी। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विजयकांत की पार्टी डीएमडीके के साथ समझौते की एक कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई थी, हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाई। डीएमडीके वाइको के नेतृत्व वाले गठबंधन में चला गया। तो हम इन दोनों अगर हम बात करें राज्यों की, तो यहाँ पर कभी भी बीजेपी की सरकारें नहीं बनी है, लेकिन इस बार जरूर एक कोशिश बीजेपी की तरफ से कि कम से कम कुछ सीटें तो मिले।